सब्सक्राइब कीजिए बैंकिंग गुरु जी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग गुरु जी चैनल में मैं स्वप्निल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के बारे में। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का TDS रिलेटेड स्पेशल वीडियो। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दो तरह के टैक्सेस इंट्रोड्यूस करवाए, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये भी एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है जो पेमेंट करते वक्त कलेक्ट किया जाता है। इस पेमेंट के कई सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि सैलरी, रेंट पेमेंट, बैंक इंटरेस्ट, लॉटरी, कमीशन, प्रोफेशनल फीस और भी कई सारे। यानी जैसा कि आप TDS का फुल फॉर्म देख रहे हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक उसी तरह टैक्स डायरेक्टली सोर्स पे लगता है जहां से ये पेमेंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर आपने किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट ओपन किया है जहां पर आपने 1,00,000 रुपए तक इन्वेस्ट किए हैं, और अगर आपके इस 1,00,000 रुपए के फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आपको 10,000 से भी ज्यादा अमाउंट का इंटरेस्ट मिलता है तो आपकी बैंक जो है उसके ऊपर 10% TDS लगा देगी। यानी मान लो अगर आपको 1,00,000 रुपए के ऊपर 20,000 रुपए साल भर में इंटरेस्ट मिल रहा है तो बैंक जो है वो 20,000 रुपए पर 10% TDS लगा देगी। यानी 20,000 - 2,000 यानी टोटल आपको 18,000 तक इंटरेस्ट मिलेगा। सो एट द एंड मैच्योरिटी के वक्त आपको जो अमाउंट मिलेगी वो 1,20,000 रुपए ना होकर आपको सिर्फ 1,18,000 रुपए मिलेगी। और ये जो TDS यानी 2,000 रुपए जो आपके टोटल इंटरेस्ट में से कट कर दिए हैं वो बाद में बैंक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खाते में जमा कर देगी। और इसके बाद बैंक आपको एक TDS सर्टिफिकेट इशू करेगी जहां पे आपको आपके इन्वेस्टमेंट से लेकर TDS कटिंग तक के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर और एक जरूरी बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि बैंक तभी 10% TDS कट करेगी जब आपका इंटरेस्ट अमाउंट 10,000 से ऊपर जाएगा साल भर में, और दूसरी बात, आपने अपने बैंक में अपना पैन नंबर जो सबमिट किया होगा। यानी अगर आपने पैन नंबर सबमिट नहीं किया है और आपका जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट है साल भर का वो अगर 10,000 से ऊपर जाता है तो बैंक 20% TDS आपके इंटरेस्ट अमाउंट में से कट करती है। दोस्तों, एक बात जरूर याद रखना कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक सिंपल फंडा है, वो है पे एज यू अर्न। यानी आप जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा TDS आपको पे करना पड़ेगा। और ये बात आप सभी ने गौर की होगी कि जब आपकी सैलरी रेज होती है या फिर आपके बेसिक्स में इंक्रीज होती है तो वहीं पर डिडक्शन कॉलम में भी टैक्स अमाउंट भी रेज होता है। मगर इससे एक बात क्लियर है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आप जब टैक्स पेमेंट करने जाते हो या फिर ITR रिटर्न फाइल करने जाते हो तो आपके ऊपर टैक्स पेमेंट का बर्डन नहीं होता, क्योंकि एम्प्लॉयर ने आपको जो सैलरी दे दी है उसमें से ऑलरेडी उन्होंने TDS डिडक्ट कर लिया है, और जो कट किया हुआ TDS अमाउंट है वो ड्यू डेट से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑलरेडी पे कर दिया है। वैसे तो ये बात आप सभी जानते हैं कि टैक्स डिडक्शन जो होता है वो टैक्स स्लैब के मुताबिक होता है, पर फिर भी मान लो अगर आपका कोई टैक्स डिडक्शन हुआ है और वो अगर आपके एप्लीकेबल टैक्स स्लैब से ज्यादा है तो ITR फाइल करते वक्त आप अपना रिफंड जो है वो डिमांड कर सकते हैं। और अगर TDS कम डिडक्ट हुआ है तो आपको डिफरेंशिएट यानी जो बैलेंस टैक्स जो है वो खुद से पे करना होगा। हमारे काफी सारे सब्सक्राइबर्स मुझे ईमेल के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू पूछते रहते हैं कि TDS कौन कौन सी चीजों पर लगता है, वो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको TDS एप्लीकेबल होता है। तो चलिए देखते हैं इस चार्ट को जहां पर मैंने कुछ चीजें आपके सामने रखी है जिन पर TDS एप्लीकेबल होता है। यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल टैक्स रेट के साथ दिखाए हैं। और जो फोर्थ कॉलम है ये है थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी डिडक्टर की तरफ से एक दिए गए अमाउंट के ऊपर आपको अगर इनकम मिलती है तो उसके ऊपर TDS एप्लीकेबल होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी सैलरीड पर्सन का इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो उसे TDS एप्लीकेबल है। अगर आपको किसी भी बैंक से आपके डिपॉजिट के ऊपर 10,000 से ज्यादा इंटरेस्ट इनकम मिलता है तो उस पर 10% TDS लगता है। ठीक उसी तरह इंश्योरेंस कमीशन, डीम डिविडेंड, इन्होंने अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर दिया तो उन पर भी 10% TDS एप्लीकेबल होता है। और ऐसे कई सारे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जिनकी लिस्ट और टैक्स रेट आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि सभी चीजों के ऊपर टैक्स लगता है, कुछ एग्जेम्पशंस भी है जिसकी वजह से TDS एप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ पर मैं सबसे पहले उस एग्जेम्पशन के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में हर कोई मुझे कमेंट में या फिर ईमेल के थ्रू पूछता रहता है, और वो है इंटरेस्ट या फिर रिटर्न जो आपको म्यूचुअल फंड से मिलता है वो सेक्शन 1023D के तहत TDS से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अगर किसी डिडक्टी के पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का
नॉन डिडक्शन सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 192 इनकम टैक्स एक्ट हो तो उसे भी TDS एप्लीकेबल नहीं होता। जो अमाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट को पे किया हो उसके ऊपर भी TDS एप्लीकेबल नहीं होता। ये चीजें TDS से सीधे एग्जेम्प्ट हो जाती है। अगर किसी NRI अकाउंट या फिर बैंकिंग कंपनी को इंटरेस्ट पे किया है तो उन पर भी TDS एप्लीकेबल नहीं होता, वो भी TDS से डायरेक्टली एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। मगर एक बात जरूर याद रखना दोस्तों कि TDS एग्जेम्प्शन मतलब पूरा का पूरा टैक्स एग्जेम्प्शन नहीं है। यानी अगर TDS कट करने के बाद भी टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको अगर टैक्स पेमेंट करना है तो वहां पर आपको ही टैक्स का पेमेंट करना होगा, वहां पर आपको कोई भी एग्जेम्प्शन नहीं दिया जाएगा। तो अब देखते हैं TDS इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर मैं TDS इंपॉर्टेंस की बात करूं तो गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्लीटली आसान हो जाता है, क्योंकि डिडक्टर डिडक्टी को पेमेंट करने से पहले उसका TDS काट लेता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे कर देता है। यानी इससे टैक्स चोरी के चांसेस कम हो जाते हैं और TDS का प्रीपोन कलेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों से इसी तरह टैक्स पेमेंट पाने के कारण गवर्नमेंट एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो शुरू रहता है। दूसरी तरफ अगर मैं टैक्स पेयर की बात करूं तो एट द एंड ऑफ द ईयर लमसम टैक्स पेमेंट करने के बजाय अगर कोई डिडक्टी आपको पेमेंट करते वक्त TDS काट के दे रहा है तो आपका लमसम टैक्स पेमेंट का अमाउंट है वो छोटे छोटे हिस्सों में बट जाता है, जिसकी वजह से आपके ऊपर टैक्स पेमेंट का कोई भी बर्डन नहीं रहता और इस सिंपल पेमेंट मोड की वजह से आप एक लॉयल टैक्स पेयर बन जाते हैं। और अब बात करते हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो TDS से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट, डिडक्टर को आपका TDS काटने के लिए आपका पैन नंबर जो है वो मालूम होना चाहिए। पॉइंट नंबर दो, डिडक्टर के पास टैन यानी टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन नंबर होना बिल्कुल भी जरूरी है, क्योंकि TDS फाइलिंग के वक्त उसे ये जो नंबर है वो मेंशन करना होता है। पॉइंट नंबर थ्री, TDS डिडक्ट करने के बाद डिडक्टर और डिडक्टी के पैन से लिंक हो जाता है। पॉइंट नंबर फोर, अगर आपके कोई भी इनकम पर TDS कटा है तो आप टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26A अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर देख सकते हैं। ये 26A जिसमें कंसोलिडेटेड टैक्स स्टेटमेंट के साथ ही साथ एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जैसी चीजें हर एक पैन होल्डर को देखने को मिल जाती है। और इसी कारण अगर आपको कहीं पर TDS लग रहा है तो डिडक्टर के पास आपका करेक्ट पैन नंबर होना अनिवार्य है। पॉइंट नंबर फाइव, TDS सर्टिफिकेट 16 ये सैलरीड लोगों को इशू किया जाता है और 16A नॉन सैलरीड लोगों को इशू किया जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इस वीडियो के जरिए मैंने TDS के बारे में काफी सारी चीजें आपके साथ शेयर की है। अगर और कोई टॉपिक्स हो जिसके बारे में आपको लगता है मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज उस टॉपिक्स के बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या फिर आपके कोई भी सुझाव है तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे नए नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।